मॉर्गन डिड दैट यू हैव सीन यस्टरडे, व्हाट एल्स ही डिड वो देखने जा रहे हैं. ही रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क, ये आप सब जानते हैं कि जिसको मेंडल फैक्टर कहते हैं. उसी को आज हम जीन के नाम से जानते हैं. वी नो इट एज अ जीन. तो मॉर्गन ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया. इसका मतलब क्या है? मॉर्गन ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया. इसका मतलब यह है कि जो भी रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे मेंडल के डायनामिक प्रोसेस उसी को एनालाइज किया मॉर्गन. हम उसी को देखने जा रहे हैं. ठीक है. F2 फीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस. ये क्या मिला था बच्चों? ऑन येलो 9/16, राउंड ग्रीन 3/16, रिंकल येलो 3/16, रिंकल ग्रीन 1/16. ठीक है, ये था. और ये हम लोग आपस में बात कर रहे थे जब डायहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे थे कि ये नई फॉर्म्स है. तभी तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, क्योंकि उनको ये मिले रिकॉम्बिनेंट्स, है ना. ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स. और रिकॉम्बिनेंट्स का रेशियो क्या है? जब नीट में क्वेश्चन आता है ना, उस वक्त आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है. उस वक्त वो दिखता है जो हमारा दिमाग देखना चाह रहा है. जो सवाल में लिखा है वो दिखता नहीं. उन्होंने पूछा इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन द फीनोटिपिक रेशियो बस इतना पड़ेंगे. और ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन होता है 9:3:1 लगा के आ गए. छोटा सा आगे को लिखा हुआ था इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन फीनोटिपिक रेशियो ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स वाज. रिकॉम्बिनेंट्स का नहीं देखा, बस क्या देखा? F2 देखा, फिनोटिपिक देखा, मेंडल के डायहाइब्रिड देखा और 9:3:1 लगा के आ रहे. अरे वो रिकॉम्बिनेंट्स का रेशियो पूछ रहा है. रिकॉम्बिनेंट्स का रेशियो है 3:3. इट इज नॉट 9:3:1. और रिकॉम्बिनेंट्स का प्रोपोर्शन है 6/16. बात समझ में आई कि नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से पढ़ना. मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फेनोटिपिक रेशियो सबको बता रहा हूं कि 3:3:1 होता है. उन्होंने ये पूछा ही था. उन्होंने बाद में लिखा है ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज तो पता चला 3:3 और 6/16 ये प्रोपोर्शन है ये रेशियो. सवाल ये उठता है जो बचे वो कौन है? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ये कौन है? ये हमने बच्चों पेरेंट्स लिए थे, वहीं से शुरुआत हुई थी डायहाइब्रिड क्रॉस की. हमने दो पेरेंट लिए थे, एक राउंड येलो एक रिंकल ग्रीन. तो ये और ये कहलाते हैं पेरेंटल्स. पेरेंटल्स इनका रेशियो है 9:1. वेरी गुड. और प्रोपोर्शन है 10/16. आया ना? अच्छा, अब एक और मजेदार बात. जो चीज मैं आपको बता रहा हूं और कुछ आप लोगों के पास बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मॉड्यूल भी होते हैं, एलएन के, आकाश के, जहां पर वो बीएससी और एमएससी के लेवल की बातें लिख देते हैं,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हमारे पास दो आइडियल हैं, मेंडल और मॉर्गन। अगर हम इनके वर्क में जो भी पढ़े अगर हम वहां सेटिस्फाई हों तो हम समझ लें कि हम सही जा रहे हैं, और अगर अनसेटिस्फेक्शन हो कहीं पर तो हम समझ लें हम गलत जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रिकम्बिनेंट्स मैक्सिमम 40% हो सकता है, रिकम्बिनेंट्स मैक्सिमम 40% हो सकता है, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। और बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मॉड्यूल में बीएससी एमएससी के लेवल की बातें लिख दी जाती हैं, जो रेयर कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वहां पे लिख दिया जाता है रिकम्बिनेंट्स 50% तक हो सकते हैं। आता नहीं है कभी नीट में 50% होंगे, क्योंकि आप ये देख लेना कि चाहे मेंडल का वर्क हो, ये रहा मेंडल का वर्क, इसमें रिकम्बिनेंट्स है 6/16 की परसेंटेज बताइए। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 6/16? कैन यू डू इट? शाबाश, 37.5%। मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनके वर्क में हमें रिकम्बिनेंट्स 40% से ऊपर नहीं मिल रहे। फिर हम देखेंगे मॉर्गन के वर्क में, कि मॉर्गन के वर्क में क्या हमको 40% से ऊपर रिकम्बिनेंट मिल रहे? अगर मिलेंगे तो हम कह देंगे हाँ भाई सर की बात गलत, और नहीं मिलेंगे तो हम एनसीईआरटी के लेवल पर ही तो काम करेंगे या उससे ऊपर चले जाएंगे। अगर रिकम्बिनेंट्स मैक्सिमम 40% हो सकते हैं तो पेरेंटल मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम पेरेंटल मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो बहुत सीधा सा सवाल है, सिंपल वन, आप ध्यान से सुन लीजिए, रिकम्बिनेंट्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? रिकम्बिनेंट्स मिनिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम तो 40 हो गए, मिनिमम कितने हो सकते हैं? बच्चों रिकम्बिनेंट्स बताइए ना, 0%, बिल्कुल सही है, मिनिमम 0%। अगर मिनिमम 0% रिकम्बिनेंट्स हैं तो सारे के सारे कौन आएंगे? सारे के सारे कौन आएंगे फिर? शाबाश, अगर पेरेंटल 100% आ गए तो क्या हम ये बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ? बताइए, अगर पेरेंटल 100% आ गए तो हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि 100% पेरेंटल आए, कहीं आए जरूर। That's why law of independent assortment is not a universal law. लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, किस वजह से 100% पेरेंटल आते हैं, वो रीजन आप जानना, ठीक है? उस रीजन को मॉर्गन ने नाम दिया था लिंकेज। क्या नाम दिया था? लिंकेज। उन्होंने कहा कि जब क्रोमोसोम पर जीन्स पास पास होती है, लिंकेज किसके बीच में होगी, जो पास पास है या जो दूर दूर है? बताइए मुझे, लिंक कौन होगा? लिंक किसके बीच में होती है, लिंकेज किसके बीच में डेवलप होती है? केमिस्ट्री में आप बहुत पढ़ते हैं लिंकेज हो गई, बॉन्ड बन गया, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो बच्चों लिंकेज और बॉन्ड किसके बीच में बनता है? जो पास पास होंगे, है ना, जो ज्यादा पास होंगे। तो यही इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स होती हैं, बिल्कुल सही है, जब वो पास पास हैं तो उनके बीच में लिंकेज हो जाती है और फिर क्या होता है, पेरेंटल आ जाते। अब इस बात को इन्होंने कैसे समझाया मॉर्गन ने? इन्होंने कहा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स या एलील्स। एक ही बात है, आपको समझ गया, एक्चुअली तो जीन नहीं होती, एलील ही होती,
लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज बढ़ेगी, है ना, जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो लिंकेज कम हो जाएगी एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल्स। इससे क्या आएंगे बच्चों, पेरेंटल्स आएंगे। फिर इन्होंने एक बात और कही, क्रॉसिंग ओवर, कुछ याद आया, मियोसिस वन, प्रोफेज वन, लैमेलियर स्टेज, किस पर होती है क्रॉसिंग ओवर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। And it leads to the formation of recombinants. इन्होंने कहा recombinants आते हैं crossing over की वजह से। Crossing over कब होती है? At Paketeer stage of prophase one of meiosis one. जितना ज्यादा genes के बीच में distance बढ़ेगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा crossing over होगी और फिर recombinants आएंगे, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगी और पेरेंटल आएंगे। तीसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं क्या, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अब अपनी लिमिट में रहकर के ये बातें करेंगे, मैक्सिमम 40%, मिनिमम 20%, सॉरी 60%, ये बात हमें लिखनी है। मंडल के वर्क से तो प्रूव हो गया कि 40 से कम, मॉर्गन के वर्क से और देखना है, ठीक है ना, लिंकेज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर घटेगी, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगी, रिकम्बिनेंट बढ़ेंगे तो पेरेंटल कम होंगे, पेरेंटल बढ़ेंगे तो रिकम्बिनेंट कम होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बट इट इज नॉट क्लियर टू मी, मुझे क्लियर नहीं हुआ, मुझे ये नहीं पता कि जीन के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, मुझे यही नहीं पता। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, रब कर दूं, नोट कर लिया आपने, जीन्स के बीच में डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा कि मिलीमीटर में होगा कि माइक्रोमीटर में होगा कि नैनोमीटर में होगा कि पिकोमीटर में होगा, मुझे नहीं पता। और कैसे पता चलेगा कौन सी जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखिए सबसे बड़ी मुसीबत, अभी आपको लग रहा था सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया तो बहुत आसान, उस छोटी सी लाइन में पकड़ लिया, ये सबसे मुश्किल है। हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स और एलील्स? सपोज इफ यू हैव दिस, ये एक क्रोमेटिड होता है पूरा, दो आर्म्स हैं, एक क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम, ठीक, इसी में अगर हम ये बोल देंगे तो आप बोलेंगे ये दो क्रोमेटिड हो गए, दो क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम बाइवेलेंट, और अगर एक ही क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम था तो मोनोवेलेंट। ये रही साहब ए और बी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कैसे पता चलेगा? एक तो हमेशा याद रखिए कि हम कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए डोमिनेंट एलील्स को नहीं लेते, हम हमेशा लेते हैं रेसेसिव एलील्स, क्योंकि रिकम्बिनेंट्स तो रेसेसिव की वजह से आते हैं, ब्राउन ग्रीन रिंकल येलो, तो येलो के साथ रेसेसिव रिंकल, ब्राउन के साथ ग्रीन रेसेसिव, तो इसलिए रेसेसिव को लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टाइम में निकालेंगे, व्हाट इज द यूनिट? ये डिस्टेंस काय में होगा, चलिए मैं बताता हूं, ये काम किया मॉर्गन के स्टूडेंट ने, अल्फ्रेड स्टुटमैन, जरा बुक में नोट कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट पे, नीट में इनके नाम पे, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 के लास्ट में बच्चों, अल्फ्रेड स्टुटमैन, स्पेलिंग है, नाम भी तो बड़े अजीब हो रहे हैं,
STURPE. And it's VANT. Alfred Stroopwafel ने एक नया टर्म दिया बच्चों, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. ये मॉर्गन के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जब भी कोई काम करते हैं तो क्रेडिट अपने टीचर्स को देते हैं. मुरादाबाद के स्टूडेंट स्कूल को देते हैं क्रेडिट. डोंट माइंड, मजाक कर रहा. आरएफ कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी. फिर इन्होंने ये भी बताया आरएफ वैल्यू ऑफ 0.01 नहीं है 0.01 is equal to 1% or 1 centimorgan 1 cm. Small c capital M. In the honor of Morgan, the name of the unit was given. Or 1 map unit. Map का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम पर जब भी हम सपोज हमने क्रोमोसोम पर ये बताया कि ये जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है ना, इनके बीच में 37 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, तो ये हमने क्या बनाया, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम मैपिंग और जीन मैपिंग. इसको बोलते हैं ये पूरा क्रोमोसोम मैप और जीन मैप बन गया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. और हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी अगर हम रखेंगे तो हमारा 6/16 था. 6/16 टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज 6, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इज 16. इट विल कम आउट टू बी 0.37 का मतलब अभी आपने बताया 37.5, 0.37 का मतलब 37 सेंटीमॉर्गन इन द ऑनर ऑफ मॉर्गन और 37 मैप यूनिट्स और 37%. आया समझ में? ये आता है निकल करके डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स और एलील्स. सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना. इसके लिए आपको सिर्फ इतना प्रैक्टिकल होना है कि आप रिकॉम्बिनेंट्स और पेरेंटल्स को अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में प्रॉपरली काउंट कर रहे हैं. बाकी सब काम पेपर पेन पे हो जाएगा. You don't require any microscope or ultra microscope or electron microscope, you know. तो बच्चों सबको क्लियर हो गई सारी बातें? Let me know. If you have any doubt, you can ask. Mendel के वर्क में 6 recombinant थे और 16 progeny. तो 6/16 कर दिया. Ready to solve a question? ओके. बच्चों मुझसे प्लीज ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन को समझा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे नहीं आती. मैं तो बस क्वेश्चन रट करके आया हूं. आज जस्ट क्राम जब तक क्वेश्चन मैं वहां लिख दूंगा. लैंग्वेज आपको कुछ समझनी पड़ेगी. मेरी समझ में नहीं आती लैंग्वेज, ठीक है, और आपको खुद ही आंसर निकालना पड़ेगा.
करके दिखाइए। फ्रॉम द क्रॉस प्लस 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 क्रॉस विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी इन एफ टू जनरेशन फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द फीनोटाइप वर ऑब्टेन्ड प्लस प्लस 800 प्लस ए 270 प्लस बी 230 स्मॉल ए स्मॉल बी 110 कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। बिना यूनिट के मास कर जाते हैं बच्चों, हमेशा से होता आया है, पुराने जमाने से होता आया है, बुजुर्गों के जमाने से होता है, बिना यूनिट के मास कट जाते हैं, यूनिट नहीं लिखी तो मास कट गए। फिजिक्स में कितना होता है ये, है ना, बायो में क्यों नहीं होगा भाई, सबको समझ में आया। ये सेकंड मेथड के हिसाब से जीनोटाइप बनी हुई है, प्लस प्लस होना चाहिए था स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस, है ना, भाई उन्होंने ऐसे दे दिया। अब देखिए आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे चार होने चाहिए तो गैमेट के पास दो दो हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही दिया था, यहाँ पे चार यहाँ पे चार यहाँ पे चार यहाँ पे चार, चार चार होने चाहिए ना, उन्होंने इसी तरह से दिया, उन्हें तो चार चार चाहिए थे, इंडिविजुअल है, गैमेट में दो दो होंगे, तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस प्लस प्लस ए ए प्लस प्लस बी बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे होना चाहिए, बट फिर भी आपने सही कर दिया। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी आ गई, 0 एंड 10 11 1 कैरी 1 2 2 4 2 6 14 आपने बोल दिया 34 सेंटीमॉर्गन, कितना आया आप लोगों का 35.35। अब एक दूसरा सवाल करके दिखाते हैं, लेट अस सी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डिफरेंटली। गिरफ्त कर दूं, इसके बाद सबसे खतरनाक पेज का नंबर होगा जो सबसे आसान लगेगा आपको। आपने मुझे पहले बताया था इस चैप्टर में, मैंने जब पूछा था तो आपने कहा था पेज नंबर 84 सबसे खतरनाक लग रहा है, दैट विल बी द इजीएस्ट पेज फॉर यू, ऑलराइट, डोंट वरी, जो चीज दिखने में खतरनाक लगती है वो सबसे आसान होती है। Given below are the distances between the genes A to B 5 centimorgan, B to C 3 centimorgan, A to C 2 centimorgan. Prepare ये क्रोमोसोम मैप और जीन मैप। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि हर बार सवाल आपके हिसाब से आए, पहली बार, दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है, इंग्लिश लेटर्स में अल्फाबेटिक ऑर्डर ए बी सी होता है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह वही ऑर्डर हो, है ना, देखिए कैसे करना होता है। पहले तो ये बताइए, ये जो मैंने दो लाइनें बनाई हैं, फिर यहां से बंद कर दिया, ये गोला बना दिया, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस सर्कल इंडिकेटिंग, ये क्या है बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम बनाऊंगा तभी बनेगा, तभी आप मानेंगे कि ये क्रोमोसोम है और ये नहीं है, हैं? 11 में नहीं पढ़ा था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, भूल गए, नॉट काइनेटोकोर, सी दिस पोजीशन इज मूविंग अप, ये सेंट्रोमियर है, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है ना, ये सेंट्रोमियर, दोनों आर्म बराबर है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एनसीईआरटी में लिखा है टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, तो जरूरी है क्रोमोसोम ऐसे बनाए जाएंगे तभी आप मानेंगे कि क्रोमोसोम ऐसे है। ये लॉन्ग आर्म और ये शॉर्ट आर्म नहीं हो सकती, बोलिए, इतना बच्चों लकीर का फकीर नहीं बनना, कि नहीं वैसा ही बनाओ तभी मानेंगे। तो दिस इज सेंट्रोमियर, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, सबसे पहले वो वैल्यू ली जाती है जो सबसे बड़ी है, ए और बी के बीच में 5 सेंटीमॉर्गन,
बिल्ड पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो आप बी इधर और ए इधर नहीं बना सकते, ठीक। साथ में कहा ये और ये है 5 सेंटीमोर में, ठीक है साहब। अब इससे छोटी वाली वैल्यू ली जाती है तो वो है 3। हो सकता है 2 पहले देते थे 3 बाद में देते, ठीक है ना। हम इसे रिवर्ट करते करके भी देख सकते हैं। अब इन्होंने लिखा बी और सी, अब हो सकता है कि सी यहाँ पे हो बी के राइट में 3 सेंटीमोर के, लेकिन जब अगली वैल्यू देखी कि ए से 2 सेंटीमोर करके तो ये हो गया ऐसे। अब हो गया बी और सी 3 सेंटीमॉर्गन, ए और सी 2 सेंटीमॉर्गन, तो सी यहां पर नहीं। इसलिए कहते हैं कि पेंसिल से बनाना है इसको, क्रोमोसोम मैप को चेंज करना, सबसे बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो हमने 2 ऑप्शन ले लिए कि बी के राइट में भी सी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ए बी सी होता है, यहां पर आ रहा है ए सी बी, ऐसे जीन्स अरेंज है। तो जीन मैप या क्रोमोसोम मैप बना के बनाने को भी आ जाता है। अगर आप लोग अग्री करें तो मैं कुछ काम देना चाहता हूं आपको, छोटा सा काम है। ऑल राइट बच्चों, पेज नंबर 80, तो यहां पर बच्चों पेज नंबर 80 पर एक टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आर्टिकल 5.3.2। ये पेज 81 पर भी है, पेज 82 पर भी है, और पेज 83 में फर्स्ट पैराग्राफ में ये खत्म होगा, इज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नीचे क्या लिखा है छोड़ दो, बस आप लोग इसे पढ़ लेना और मुझे ये बता देना कि आपको ये समझ में आए कि नहीं। अगर एक बार पढ़ के समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ के समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, मगर ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़े और मुझसे कहते हैं सर समझ में नहीं आई, एक बार पढ़ा था, एटलीस्ट 2-3 ट्राइज दीजिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट बिगिंस एट पेज नंबर 80 एंड एंड्स एट पेज ऑन पेज नंबर 83 फर्स्ट पैराग्राफ। आपको बहुत शॉर्ट में पहले तो ये बताना होगा समझ में आया कि नहीं आया, फिर ये बताना होगा कि ये थ्योरी कहती क्या, जो आपकी समझ में आया वो आप बताइएगा मुझे कि बुक में लिखा क्या। बहुत छोटा सा काम है ये, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो आप खुद से कर ले तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है, फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।